हेलो डियर आईएसआई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग द आईएसआई रिजल्ट। बहुत सारे स्टूडेंट को इसके रिगार्डिंग क्वारी थी कि भैया क्या करना है, क्या नहीं करना और कैसे रिजल्ट चेक करना है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग यार एक इम्पोर्टेंट अपडेट मैं और बता दूं, आपने जो भी ईमेल आईडी दिया है आईएसआई को, सो उसको जो है आप जरूर चेक करते रहे। उसके ऊपर एडमिशन कोई अगर वैकेंट सीट रहती है एंड अदर, सो वेबसाइट पे तो आएगा जो आएगा, उस पर जो है आपको ईमेल भी आ सकता है। पिछले बार भी बहुत सारे स्टूडेंट को ईमेल वगैरह रिसीव हुए हैं। अब आज हम ये चेक करेंगे कि आपको जो है अपनी मेरिट लिस्ट कैसे चेक करनी है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी जा रही थी कि भैया हम कैसे चेक करें, राइट। सो जैसे कोई स्टूडेंट है जिसका कोई कोर्सेज है, जैसे कि एम टेक इन क्रिप्टोलॉजी है या फिर कंप्यूटर साइंस है या फिर कोई सा भी कोर्स मान लो, जैसे कि 18 जून को अनाउंसमेंट हुई है इन कोर्सेज की, ओके। और जो स्पेशली या फिर इनका अगर अपन देखे पीएचडी वाले हैं या फिर अपन जो है पीजी वालों को देख लें अगर, तो कैसे मेरिट लिस्ट चेक की जाती है। सो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो एक नया विंडो खुलता है, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपकी पूरी हेल्प की जाती है रिगार्डिंग द एडमिशन इन द इंटरव्यू एंड बहुत सारे ऐसे ऐसे एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी वजह से जो है आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हो, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपका अगर आईएसआई में एडमिशन नहीं भी हो पाता है, देन बहुत सारे कॉलेजों के आपके पास ऑप्शन होते हैं, जस्ट लाइक आईसर, नाइसर, आईआईटी, एनआईटी, जीएफटीआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, रीप राजस्थान, एसईबीसी गुजरात, डब्ल्यूबीजीडब्ल्यूई, आईकेयर एंड मेनी मेनी यार काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस काफ़ी कम है और जो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो आपको अगर चाहिए तो सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं। दिस इज एन चार्जेबल प्रोसेस, लेकिन आई थिंक जो है आपके फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, बिकॉज हमारे पास ऐसी ऐसी फैकल्टी है जिनको पूरा नॉलेज है अबाउट द कोर्सेज कि भैया आप अगर मैथमेटिक्स स्टेटिक्स कोर्सेज करते हैं देन इन फ्यूचर उसका क्या स्कोप है, कितनी आपकी सैलरी मिलने वाली है, जॉब कहाँ पे लगने वाली है, आने वाले 10 साल बाद आपकी जॉब कहाँ पे होगी। तो इन सब की डिटेल जो है आप ले सकते हैं या फिर आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं, अगर आपका बाय चांस कहीं भी एडमिशन नहीं हो पाता देन जो है आपका रिफंड कर दिया जाता है, लेकिन यार इतने कॉलेजेज हैं और आप अगर आईएसआई का टेस्ट दे रहे हैं देन ये पॉसिबल नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, राइट। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वारी है कि भैया इतनी ये जो हमें लिस्ट तो दे रखी है, अब हम डाउनलोड कहाँ से करिए, ठीक है। क्योंकि जस्ट ये जो पिछले वाला जो पेज था, ओके, जो पिछले वाला जो पेज था उस पर तो सिर्फ ये मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक किया और ये नया वाला पेज खुल गया। देखो ये पेज खुल गया, अब मैं कहाँ से डाउनलोड करूँ। जैसे यार ये जो दो रिजल्ट दिया गया है, बेचलर ऑफ स्टेटिक्स ऑनर्स और बेचलर ऑफ मैथमेटिक्स ऑनर्स, इनका जो है मेरिट लिस्ट इंटरव्यू राउंड अभी दिया नहीं है, ओके। इनका अभी रिलीज होना बाकी है, अभी रिलीज हुआ नहीं है, 20 तारीख हो चुके हैं आज। अब जो है अगर मुझे देखना है मास्टर ऑफ स्टेटिक्स का या फिर मास्टर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एंड साइंस का, तो इसका मैं कैसे देखूंगा। तो जैसे पहले हम मास्टर ऑफ स्टेटिक्स का देखते हैं, तो पहले जो है इंटरव्यू लिस्ट, अब इंटरव्यू लिस्ट कैसे करेंगे चेक, तो देखो ये जो आपको जो टिक दे रखा है ना, आपको टिक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने टिक पे क्लिक किया तो जस्ट जो है आपको लिस्ट शो हो रहा होगा, जैसे एक पेज खुल रहा है अभी, ओके। सो जैसे पेज खुला है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द एडमिशन टेस्ट 8/2022 फॉर एडमिशन टू द मास्टर ऑफ स्टेटिक्स प्रोग्राम एट द जो भी फॉलोइंग कैंडिडेट है बीइंग कॉल्ड इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम, ओके। अब ये आपके रजिस्ट्रेशन कोड है, आप अपने जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह है उसमें मैच कर सकते हो। और ये जो इतने जो स्टूडेंट हैं इनको रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सीट के लिए जो है ये 3 कैंडिडेट को चूज करते हैं मिनिमम, ठीक है। एक चीज के लिए वैसे ऑलमोस्ट जगह 3 को चूज किया जाता है। अब इनका जो है इनका ये जो भी सिस्टम हो उसके हिसाब से ये चूज करते हैं जो, और जो है इसके अंदर कैटेगरी शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस क्या होती है, यूजी कैटेगरी के अंदर यूजी ए प्लस यूजी बी होती है एंड पीजी के अंदर आप देख सकते हो पीएसए और पीएसए प्लस पीएसबी, ओके। और जो भी आपके मार्क्स है आउट ऑफ 48, ठीक है, एंड जो भी ओबीसी के लिए 43 है, और जो है पीसीए जो भी है एससी एसटी और जो भी है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी उसके लिए 36 है आउट ऑफ, ठीक है। अब जो स्टूडेंट पीएसए के लिए एलिजिबल है ना, उसको ही बाद में जो है पीएसबी कैंडिडेट के लिए अप्लीकेबल हुआ है, उसकी पीएसबी की कॉपी चेक हुई है। जिन स्टूडेंट का पीएसए के अंदर ही फेल हो चुके हैं उनका पीएसबी चेक ही नहीं हुआ है, आप एक बात ये बिल्कुल ध्यान रखें।
सो वो स्टूडेंट आर अप्लीकेबल पी एस ए, देन वो इज अप्लीकेबल डायरेक्टली कनेक्शन इन पी एस बी। ओके, तो ये सारा सिस्टम होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा रिगार्डिंग द कि भैया कैसे आपको चेक करना है। और मैं आपको कुछ बता देता हूँ, अब आपको वो कैसे चेक करना है और अब कब आपको जाना है, ठीक है। तो मास्टर ऑफ स्टेटिक्स का आपने मेरिट लिस्ट देख लिया, अगर आपका उसमें नाम आया है तो अच्छी बात है, अगर नाम नहीं आया तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन ओपन है। अब आपको देखना है इंटरव्यू राउंड, ओके। और यार ये अभी एडमिशन प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, आगे आगे तक चलता रहेगा, इसके लिए रिश्ते जारी की जाएगी अभी और भी। अब ये देख सकते हो इंटरव्यू राउंड है, जैसे 15 जून को इनका इंटरव्यू हुआ है, जो भी इतने क्लासरूम में 13 एकेडमिक ब्लॉक के अंदर, एंड जैसे भी ये जो लोग दिए गए हैं, कितने लोग हैं, 13, ठीक है। तो इनका जो है 2 बजे तक हुआ है, ओके। और हर स्टूडेंट के लिए देख सकते हो टाइम दिया गया है इसका, 9:30, 9:30, 9:30, यानी कि कितने का है, 6 का 9:30 है, यानी कि 9:30 बजे तक होगा इनका। और इनका जो है शाम को, यानी कि सेकेंड फेज में हुआ है, 2 बजे हुआ है। फिर सेम डेट को ये रूम नंबर 14 में इनका होगा, जो भी ये है, ठीक है। और रूम भी बाद में 16 को होगा इनका, ठीक है। और 10:16 को हो गया इनका, एंड अब ये 17 को इनका है, हो गया मतलब, ओके। सो जस्ट यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, जैसे कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट 30 मिनट्स पीरियड टू डिजाइन इंटरव्यू एट ISI दिल्ली ऑडिटोरियम, ओके। एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू द कैंडिडेट मस्ट प्रेजेंट द ओरिजिनल ऑफ देयर वैलिड ID, फोटो कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ई आधार प्रिंट आउट विच दे मैंशन ड्यूरिंग अप्लीकेशन। कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिज ओरिजिनल एंड सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे PWDA, EWS, डोमिसाइल है, ओके। एंड जो भी स्टूडेंट SC/ST कैटेगरी का बिलोंग करते हैं, उनको जो है ट्रेवल का सपोर्ट मिलता है। ऑल द आउट स्टेट कैंडिडेट बिलोंग टू इकोनॉमिकल वीकर बैकग्राउंड SC/ST, ओके। EWS की बात हो रही बेसिकली, एंड EWS नहीं है, SC/ST PWD कैटेगरी विल बी प्रोवाइडेड ट्रेवल सपोर्ट फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू। तो जो भी है, टू वेल स्लीपर सेकेंड क्लास रेलवे फेयर, यार ऐसा नहीं है कि आप एरोप्लेन में बैठ के चले जाओ, उनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। रेलवे को और सेकंड क्लास को और स्लीपर को बस टिकट आपके जो भी है, आप रिसिप्ट लेके जाना, आपको जो भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर डाल दिया जाएगा। ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस वी आर नॉट एबल टू ऑफर एन ऑन कैंपस अकोमोडेशन टू ऑल द कैंडिडेट, वेरी लिमिटेड ऑन कैंपस स्टेड अकोमोडेशन वे बी अवेलेबल टू रिक्वेस्ट अकोमोडेशन, प्लीज सेंड ईमेल दिस ईमेल ID बाई द लास्ट 8 जून 2022, प्लीज इंक्लूड डिटेल्स सच एज व्हेन यू आर एक्सेप्टेड अराइवल डिपार्टमेंट ऑफ ISI कैंपस, जेंडर, रजिस्ट्रेशन नंबर, यू विल इन्फॉर्म अबाउट द स्टेटस ऑफ रिक्वेस्ट बाई 10 जून, ओके। सो ये सेम प्रोसेस रहने वाला है यार UG कैटेगरी वालों के लिए, आप ये भी सेम ध्यान रखें। जितने भी स्टूडेंट हैं, ऑलमोस्ट सभी का इंटरव्यू हो गया होगा लगता है, शायद अभी नहीं हुआ है। जैसे अगर अपन क्वालिटी मैनेजमेंट वालों का देखें तो इनका अभी नहीं हुआ है। जैसे आप इंटरव्यू शेड्यूल पर चेक क्लिक करेंगे, तो जैसे आप क्लिक करते हैं, इनका जो है 30 जून को इंटरव्यू है, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट वाले जो स्टूडेंट है उनका जो है 30 जून को है, ये देख सकते हो, एंड 1 जुलाई को है, ओके, और 2 जुलाई को है। सो ये सारा सिस्टम है। अब अपन कुछ क्वेश्चन वगैरह भी डिस्कस करेंगे कि जस्ट आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। सो यार ये जो भी स्टूडेंट है, इनको भी अगर अकोमोडेशन चाहिए तो क्या करना है, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जिन भी स्टूडेंट को अकोमोडेशन चाहिए वो ये गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। सो हम भी फिल करके देखते हैं, देखिए क्या आ रहा है सिस्टम, और आप भी जरूर फिल करिए, ठीक है। द इंटरव्यू अकोमोडेशन फॉर कैंडिडेट, सो जो भी है, जस्ट लाइक BMAT, MS, LIS, GRF, MATE, ओके। इंटरव्यू डेट, इंटरव्यू टाइम, अकोमोडेशन, नंबर ऑफ पर्सन 1, 2, ठीक है। रिलेशन विद अप्लीकेंट, फादर, मदर, सिस्टर, एंड अराइव टाइम अप्रोक्स, कितने बजे आएंगे आप, कितने बजे जाएंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट डेट, डिपार्चर डेट, ड्यूरेशन टाइम, ओके। कैंडिडेट ईमेल ID, कैंडिडेट कॉन्टेक्ट नंबर, आपको यार ईमेल आ जाएगा इसके रिगार्डिंग जो भी है, तो आप अकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर उनके पास वेकेंट होता है रूम तो आपको जरूर से प्रदान किया जाएगा। जैसे ये क्वालिटी मैनेजमेंट का मैंने आपको बता दिया, अभी सो